भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर हालात सामान्य नहीं है। ऐसे में चीन की चालाकी को जवाब देने के लिए सेना हर मोर्चे पर सतर्क है। लद्दाख में जारी तनाव के बीच अन्य सीमाओं पर भी हलचल बढ़ गई है। गृह मंत्रालय की ओर से भारत चीन, भारत नेपाल और भारत भूटान पर सुरक्षा बलों को सतर्क रहने को कहा गया है। सूत्रों के अनुसार ITBP और SSB को अलर्ट पर रखा गया है। इसके तहत उत्तराखंड, अरुणाचल, हिमाचल, लद्दाख और सिक्किम बॉर्डर पर ITBP की निगरानी को और भी मजबूत कर दिया गया है। उत्तराखंड के कालापानी इलाके में जहाँ भारत चीन नेपाल तीनों देशों का मेल है, वहां भी सतर्कता बढ़ाई गई है। SSB की 30 कंपनी यानी 3000 जवानों को भारत नेपाल बॉर्डर पर भेजा गया। आपको बता दें कि बॉर्डर पर चीन ने बीते 3 दिनों से घुसपैठ की कोशिश की है। इस दौरान हाथापाई की स्थिति भी आई, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने चीन की हर कोशिश को नाकाम कर दिया। इससे पहले भी कई बार चीन लद्दाख सीमा के अलावा अरुणाचल और उत्तराखंड में हलचल करते आया है। ऐसे में भारत पहले से ज्यादा सतर्क है।